नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज वाराणसी और आजमगढ़ दौरा। आपको बता दें सुबह 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एयरपोर्ट पर सपा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश। बाबतपुर एयरपोर्ट से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे अखिलेश और सड़क मार्ग से आजमगढ़ जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आपको बता दें कि आजमगढ़ में निर्धारित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यहां निकल कर आ रही है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज वाराणसी और आजमगढ़ दौरा है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे यानी कुछ ही देर में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने का उनका प्रोग्राम है और अखिलेश पहुंचेंगे और वहां एयरपोर्ट पर पहुंच के और अपने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे और पहले एयरपोर्ट हवाई मार्ग से पहुंचेंगे और हवाई मार्ग के बाद सड़क मार्ग से आजमगढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि उनका निर्धारित कार्यक्रम है, उस सभी कार्यक्रम में जो पहले से शेड्यूल्ड है उसमें शिरकत करेंगे सपा सुप्रीमो। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है और उपचुनाव को लेकर दौरा बैठकें तमाम चीजें तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बड़ी खबर है क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश का आज एक नहीं दो दो जगह का दौरा है। आपको बताएं वाराणसी के साथ ही आजमगढ़ का भी दौरा है और सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है जहां पर वो हवाई मार्ग से यानी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है अखिलेश के इस दौरे के बारे में, क्या कुछ उनका शेड्यूल है? जी बिल्कुल, बता दें आदित्य आपको कि वाराणसी में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दो दिन का दौरा है। अखिलेश यादव सुबह दिन में 11 बजे यानी कुछ ही देर बाद दिन में 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सपा के जो वाराणसी के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात कर कुछ उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी कुछ जो है बता सकते हैं, कुछ राय दे सकते हैं और यहाँ सीधा रोड मार्ग से आजमगढ़ के रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और बात करें दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी आगमन है। 3 बजे हेलीपैड पर पुलिस लाइन पर उनका आगमन होगा और वहां से सीधा वहां सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वाराणसी के तमाम जो कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे, संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे और उसके अलावा आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके वाराणसी में लगातार जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनके जायजा करेंगे और देर रात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी विकास। जी धर्मेंद्र, ये बताइए कि उनका दौरा है तो क्या कुछ ये बैठक होने वाली है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात जहाँ तक होगी और संगठन के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, तमाम वाराणसी के जो राज्य मंत्री हैं, जो तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे संगठन के जो वाराणसी के जिला प्रभारी बनाए गए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, सब लोग सम्मिलित होंगे और संगठन के तमाम लोगों के साथ जो है चुनाव को लेकर के तैयारियों को लेकर के बैठक में जो है चर्चा भी कर सकते हैं और साथ ही में वाराणसी में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको जायजा भी लेंगे, समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे और लक्ष्मी मारवाणी हॉस्पिटल में जो है और डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन की तैयारी है। जी अखिलेश, और उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? 11 बजे आपको बताएं कि बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, आजमगढ़ के लिए कब रवाना हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बाबतपुर एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव उतरने के बाद लगभग कुछ एक घंटे के अंतराल के बीच में यहाँ से जो है बाबतपुर एयरपोर्ट से ही सीधे जो आजमगढ़ के लिए अखिलेश यादव जो है अखिलेश यादव रवाना हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही मुलाकात करेंगे कार्यकर्ताओं से और कुछ, और उनका क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ खास रहेगा? उपचुनाव भी आ रहा है धर्मेंद्र, तो उपचुनाव को देखते हुए क्या कुछ इस दौरे से क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने इस समय 11 गांव जो है उपचुनाव को लेकर यूपी के जो है उपचुनाव की तैयारी है, लगभग जो है दिन भी करीब आ चुके हैं, लगभग यह माना जा रहा है उपचुनाव जल्दी होने वाले हैं। ईश्वर के तमाम संगठनात्मक जो है राजनीतिक जो पार्टियां हैं तैयारी अपने पूरी तरह तैयारी पर है और सपा जो है यूपी में काफी बहुत बढ़ाई हुई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, इसको लेकर जी धर्मेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बने रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी हम लोग तमाम जानकारी लेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, एक और बड़ी खबर है, एक और दौरे के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहां पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का
आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। सीएम आज अंबेडकर नगर और वाराणसी जाएंगे, तो एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो दो बड़े नेताओं का वाराणसी का दौरा है। आपको और जानकारी दें तो बता दें 10:50 पर हेलीकॉप्टर से अंबेडकर नगर पहुंचेंगे सीएम, और कटिहारी में रोजगार वृहद ऋण मेले का सीएम उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएं कि सीएम योगी मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित करेंगे। और आगे का कार्यक्रम आपको बताते चलें तो देव इंद्रावती महाविद्यालय कटिहारी में सीएम का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद वापसी की बात करें तो 12:40 पर सीएम लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। और आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और शाम 3 बजे पुलिस लाइन के हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक होगी, और इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ करेंगे। और जब काशी आ रहे हैं बाबा, तो वहां पर बाबा काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, और साथ ही बताएं कि रात में सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। तो आपको बता दें बड़ी खबर, वाराणसी में दो बड़े दिग्गजों का दौरा, एक तरफ जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो यहां पर सीएम योगी का शेड्यूल्ड कार्यक्रम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि क्या कुछ उनका कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि सीएम 10:50 पर हेलीकॉप्टर से अंबेडकर नगर पहुंचेंगे, उसके बाद आगे की बात करें तो कटिहारी में रोजगार वृहद ऋण मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मेधावी छात्र छात्राओं से मुलाकात कर सीएम उन्हें टैबलेट बांटेंगे, और देव इंद्रावती महाविद्यालय कटिहारी में सीएम का कार्यक्रम होगा, और 12:40 पर सीएम आदित्यनाथ लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। तो आपको बताएं कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो आपको बता दें उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, और इस बैठक में खास ये होगा कि कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, तो 2 दिग्गजों का वाराणसी दौरा है, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के सीएम भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल, आज बता दें कि वाराणसी में पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों का आज वाराणसी आगमन होगा। अखिलेश यादव सुबह 11 बजे बाबरपुर एयरपोर्ट पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर जो है योगी आदित्यनाथ जो लगभग 3 बजे हेलीपैड वाराणसी पुलिस लाइन पहुंच रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर शेड्यूल की बात करें तो 3 बजे उतरने बाद जिला सर्किट हाउस रवाना हो गए। वहाँ का तमाम वाराणसी के जो भाजपा पदाधिकारी हैं संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे, कुछ चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। उसके अलावा सीधा सीधा जो है वाराणसी के चल रहे तमाम विकास कार्यों की आला अधिकारी साथ समीक्षा बैठक करेंगे, देर रात स्थिति निरीक्षण भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके अलावा अगर बात करें वाराणसी में जो है रात देर रात जो है काशी विश्वनाथ मंदिर कारघरों को दर्शन भी करेंगे, और दूसरे दिन सुबह जो है वाराणसी से एग्जैक्टली वाराणसी रवाना होंगे। और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव धर्मेंद्र ये जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि सर्किट हाउस में जो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होने वाली है, तो कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, या बैठक के बारे में क्या जानकारी है बताएं? जी बिल्कुल, अभी बता दें आपको वाराणसी में जो है संगठन की बैठक होने वाली है, चुनाव को लेकर के योगी सरकार पूरी तरह तैयार है संगठन के दृष्टिकोण से। वाराणसी में जिला अध्यक्षों के साथ ही महानगराध्यक्ष के अलावा तमाम जो है मंडल के जो है जो मंडल के प्रभारी हैं, स्थलीय जो है विधायक हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं, इनको तमाम ऐसे लोगों के साथ जो है मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ का जो है बैठक होना है। संगठन की यह बैठक है महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है कि ये आगे उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर के जो है पूरी तैयारी है भाजपा की, और इसको किला फतह करना है, इसको लेकर के यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें वाराणसी में 2 बड़े दिग्गजों का दौरा है, एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश भी पहुंच रहे हैं। तो दोनों का दौरा
और दौरे पे तमाम जानकारी आपके साथ हमने साझा की। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज दोपहर होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही संगठन के मामलों की दृष्टि से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पहली की बात करें तो बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान, और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि संगठन चुनाव। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी। इस बैठक में एजेंडा तय किया गया था। तो आपको बता दें, इस बैठक पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता अजय चौहान। अजय, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक के बारे में? कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? हम बताते हैं, जिस प्रकार बीजेपी के पदाधिकारी की बैठक है, इसमें मीटिंग ली जा रही है, बताते हैं वही कई मुद्दों पर बात की जाएगी। इसमें लगातार जेपी नड्डा के जो अध्यक्ष काल है वो भी समाप्त हो रहा है, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और ये जेपी नड्डा के आवास पर करीब 2 बजे ये मीटिंग होनी है, जिसमें कई नेता मौजूद है। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। यानी कही गई जो अभियान है, राष्ट्रव्यापी अभियान, उसको लेकर भी बात की जाएगी, क्योंकि उसको पूरा लक्ष्य जो तैयार करना था पूरा अभी हो नहीं पाया, लेकिन उसको लेकर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रव्यापी जो है उसको किस तरह पूरा किया जाए, क्योंकि कार्यकाल राष्ट्र जेपी नड्डा का है। जेपी नड्डा के समय में ये बात कही गई थी, पूरा जब तक जेपी नड्डा रहेंगे राष्ट्र पूरा अभियान पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन दिसंबर तक इनके प्रार गए थे। लेकिन अब लगातार राष्ट्राध्यक्ष को लेकर चर्चा की जा रही है, जिससे संगठन, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी नवंबर में 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो देखिए उसको लेकर सबसे बड़ी चिंता चल रही है कि आखिरकार जो पदाधिकारी हमारे और ये महासचिव और जो जिले के जो राज्य के जो अध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया, पदाधिकारी और सेक्रेटरी को बुलाया गया, ताकि जो मीटिंग की जाए, जो पूरी धरातल से जो तैयारियां की जाएगी चुनावों को लेकर, उस पर भी मंथन किया जाएगा। यानी कि आज की जो बैठक है वो कई मुद्दों पर बैठक की जा रही है इसमें। जी अजय, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रव्यापी तरीके से जो बीजेपी ज्वाइन कराने की बात है, तो उसके लिए क्या कुछ रोडमैप यहाँ पर इस बैठक में डिसाइड हो सकता है? राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्या कुछ क्या रोडमैप पर चर्चा हो सकती है? अजय, बिल्कुल, देखिए ऐसे जो सिस्टम है वो पूरा तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से जो राष्ट्रव्यापी जो मीटिंग है वो पूरा किया जाएगा, पूरा अभियान तैयार किया जाएगा, यानी पूरा जो रोड मैप है वो पूरा किया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनावों के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता, जिस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ा था। और बता दें कि इससे पहले 4 तारीख को जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है उनके घर पर संघ के साथ मीटिंग की गई थी, यानी कि जो लगातार जो मुश्किलें थी जो अक्षणा पहले चल रही थी संघ के था वो शायद पूरी हो चुकी है। तो इसके अंदर आज हो सकता संघ के भी जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे, यानी कि आने वाले चुनावों की पूरी तैयारी है, लेकिन उतना है कि आखिरकार अभी राष्ट्रीय ये जानना चाहेंगे कि शुक्रवार को भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई थी, तो लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और लगातार अलग अलग प्रदेशों के नेता भी दिल्ली के दौड़ लगा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बैठ रहा है बताएं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी अब जो चुनावों की तैयारी कर रही है, चुनावों आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन चल जिस तरह से जो चुनाव आयोग की बैठक की गई थी उसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है, और उसमें घोषणा भी कही है 3 नवंबर से 26 नवंबर तक, तो उसको लेकर चर्चा की आखिर दोनों चुनाव कराने हैं, और उसका महाराष्ट्र का चुनाव भी साथ में कराया जाए, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। लेकिन देखना भी होगा कि आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी इन राज्यों के अंदर प्रचार करेगी, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, पहले भी बैठक हुआ था और आज फिर एक बड़ी बैठक होने वाली है, हमने आपको तमाम जानकारी दी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिएगा इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। लगातार इंडिया वॉइस पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। सीएम की मौजूदगी में 70,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपको बता दें आज अंबेडकर नगर और अयोध्या में होने जा रहा है रोजगार मेला, जनपद स्तरीय रोजगार मेला से युवाओं को मिलेंगी नौकरियां, और 18 अगस्त को अयोध्या में होगा वृहद रोजगार मेले का आयोजन। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में होगा आयोजन, और इस आयोजन में आपको बता दें कि करीब 50 कंपनियां 21,000 रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।
कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है जहां पर कई युवाओं को रोजगार का अवसर यहां पर मिलने जा रहा है। लगभग सीएम की मौजूदगी में 70,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें 70,000 एक बड़ा टारगेट होता है और 50 से ज्यादा कंपनियां यहां पर रोजगार के अवसर देने वाली हैं। साथ ही अगर बात करें तो सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो बड़ी खबर है क्योंकि रोजगार की बात है, रोजगार का मुद्दा लगातार उठता रहता है और यहां पर रोजगार की बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कन्नौज की, जहां मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि इस मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई, वहीं फायरिंग के दौरान एक राहगीर को गोली लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बताएं कि मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई और ये मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट से फायरिंग तक आगे बढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया। आपको बता दें कि राहगीर एक राह चलता व्यक्ति भी इस विवाद की चपेट में आ गया। तो आगे बढ़ते हुए बात अलीगढ़ की करेंगे, जहां शिवधाम कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को गोली मार दी, तो वहीं पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बताएं पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को गोली मारी और गोली लगने के बाद अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। पुराने विवाद जब उखड़ते हैं तो इस तरह की घटना अक्सर हमारे सामने आती है। ये अलीगढ़ से घटना हमारे सामने आ रही है जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर आप तस्वीर भी देख सकते हैं, जहां पर तमाम लोगों की भीड़ है, लोगों में आक्रोश है, लेकिन पुलिस भी, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। इस भीड़ में आप पुरुषों के साथ महिलाओं को भी देख सकते हैं। अलीगढ़ का मामला था, गोली लगने के बाद युवक घायल हो गया और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुरानी रंजिश अक्सर ऐसे रूप ले लेती है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बात अमेठी की करेंगे, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान दबंग युवकों ने सीएचसी फुर्सतगंज परिसर में खड़ी कार के साथ तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और आपको बताएं कि अमेठी में भी दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वजह क्या थी, तो मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ता जा रहा है और मारपीट तक ही ये बात रुकी नहीं, ये बात तोड़फोड़ और तोड़फोड़ के बाद हवाई फायरिंग तक पहुंच गई और फायरिंग करने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमेठी से यह मामला, इसके पहले हम अलीगढ़ की बात कर रहे थे, वहां भी विवाद का मामला था, फायरिंग फायरिंग और फायरिंग, चाहे बात अलीगढ़ की हो या अमेठी की। 25 लोग आके गोली वोली चलाए यहाँ पे सरकारी अस्पताल के बाहर, जिन्हें की मतलब अंदर घुस के भी गोली चलाने की कोशिश की है। उबैद थे, गौरव सिंह थे, साहिल गुजर साहिल थे, अहद थे, ये चार लोग गोली चला रहे थे। मामला था कि कल किसी और से लड़ाई हुई थी, उसी संख्या में कल हम लोग को एक बार मारे हैं और यहाँ आ जाके हम लोग के ऊपर गोली चलाए हैं। तो फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। धन्यवाद।